आप सभी ने तो इस तरह के बॉल पेन यूज किए होंगे या फिर अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका मार्केट में कितना डिमांड है आपके बताने की शायद जरूरत नहीं है। आप सभी को पता ही होगा कि एक बॉल पेन का मार्केट में कितना डिमांड रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एक बॉल पेन मेकिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने घर पे बैठ के। उसके रिलेटिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस बिजनेस को आप अपने घर में बैठ के मिनिमम 20 से लेके 25,000 रुपीस इन्वेस्टमेंट लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ मशीन खरीदना होगा। जो मशीन एकदम मैनुअल चलता है उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप एकदम हाथ से इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप एक लेडीज हो फिर भी आप इस मशीन को ऑपरेट कर पाओगे क्योंकि इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन मशीन को खरीदना होगा। तो आपको पहला जो मशीन का रिक्वायर्ड होगा उसको कहते हैं पेन का हेड लगाने वाला मशीन। इसकी मदद से पेन का जो बॉडी होता है उस बॉडी में पेन का एक हेड लगाया जाता है। अब दूसरी मशीन की बात करें, दूसरा मशीन आता है प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन की मदद से पेन की बॉडी के ऊपर आप जो अपने नाम पे या फिर अपने ब्रांड का लोगो वहां पे प्रिंट कर सकते हो जिस नाम से आप अपना पेन को मार्केट में सेल करना चाहते हो। उसके बाद जिस मशीन की बात करेंगे वही सबसे इम्पोर्टेंट मशीन होता है जिसकी मदद से आप पेन में इंक डाल सकते हो। तो उसको कहते हैं इंक डालने वाला मशीन। अब बात करते हैं जिस मशीन की, इस मशीन की मदद से आप पेन का जो शीश होता है मतलब नीब होता है, नीब को वहां पे आप लगा सकते हो जिसकी मदद से हम लिखते हैं। उस नीब को यहाँ पे आपको सेट करना होगा। उसके बाद इस तरह से आपको एक के बाद एक करके 120 पेन बनाना होगा। बनाने के बाद आपको फाइनली एक मशीन बनाना होगा। इस मशीन में एक तरफ आपको 60 पेन और दूसरी तरफ आपको 60 पेन रखना होगा। रख के कुछ मिनट आपको इस मशीन को चलाना होगा क्योंकि आप जब पेन में इंक डालोगे तब कुछ बबल्स उसके अंदर बन सकता है। इसकी मदद से लिखना उतना स्मूथ नहीं होता। तो इस मशीन में लगा के आप पेन को कुछ ही समय अगर इस तरह से घुमाओगे तो आपका पेन का जो स्मूथनेस होगा वो एकदम बेहतर हो जाएगा। आपका पेन बहुत बढ़िया चलेगा, एकदम स्मूथ चलेगा। तो मैंने जितनी भी मशीन की बात की, मशीन सारा एक सेट पे आता है। इस सेट को आप इंडिया मार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हो या फिर अमेजोन से आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका कीमत आता है 12,000 से लेके 20,000 के बीच। डिपेंड करता है कौन सी मशीन कितना अच्छा है, कौन सा ब्रांड का है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन परचेस करने से बेहतर आप इसका जो डीलर होता है डीलर से आप डायरेक्ट कनेक्ट करके कॉन्टेक्ट करके उससे जाके फिजिकली मशीन परचेस कीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब देखते हैं इसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए आप एकदम हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मशीन परचेस किया है तो उसका कीमत आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज। उसके बाद अगर आप का रॉ मटेरियल और अदर जितने भी एक्सपेंसेस होता है सब कुछ जोड़ लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज। तो आप आराम से 20,000 से लेके 25,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब प्रॉफिट की बात करें तो इसमें मशीन से आपका एक पेन बनाने में आपका कॉस्ट आता है 70 पैसे से लेके 1 रुपये तक। अब इस पर 50 रुपये मार्जिन लगा के आप एक पेन को 1.20 रुपीस से लेके 1.50 रुपीस होलसेल प्राइस में मार्केट में सेल कर सकते हो। इसका होलसेल प्राइस आपको बन जाता है 1.2 से लेके 1.50 तक। और उसके बाद अगर आप ये रिटेल में सेल करोगे या फिर कस्टमर के पास डायरेक्ट सेल करोगे तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। पेन बिजनेस स्टार्ट करने के रिलेटिंग कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।